welcome you all. It's me, Abdullah Wali, again in front of you. And थोड़ी बहुत changing कर रहा था, कुछ बहुत चीज़ें upgrade कर रहा था, so उसमें थोड़ा सा वक्त लगा. And YouTube पर काफ़ी आसान active भी रहा, and you know के studies का भी एक charm बन गया है. So ये है कि आज हम लोग आपके सामने आए हैं, थोड़ी बहुत upgradation की है. तो उम्मीद है कि आपसे जो लेक्चर है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा. आज का लेक्चर पूरा सुनिएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैं लाइव जाऊँगा मे बी, उसमें मैं एक ऐसा फार्मूला एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे मेजॉरिटी जो है काफ़ी लोगों की जो है पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे. वो ऐसा ट्रिक है, वो ऐसा फार्मूला है जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादातर अपने लोग जो हैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकेंगे. तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. आज का टॉपिक हम लोगों ने बड़ा मज़ेदार सा सिलेक्ट किया है, वो है फोकस ऑन योर एम. ज़रा गौर कीजिएगा, फोकस ऑन योर एम. ड्राइंग थोड़ी गंदी है, इसमें ड्राइंग को ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा. अभी जो मैं बात कहूँगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है. आज का हमारा टॉपिक क्या है? द टॉपिक ऑफ आवर टुडे इज फोकस ऑन योर एम. अब देखो, फोकस ऑन योर एम यानी अपने एम के ऊपर फोकस करो. एम और फोकस, अब ये है क्या चीज़? एक हमारे पास बचता है फोकस और एक बनता है एम. आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या? अब देखो, फोकस को अगर इन टर्म्स ऑफ मैं टेक्नोलॉजी लेकर जाऊं तो टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा, अगर आप लोग कोई कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, डिजिटल कैमरा रिकॉर्डिंग या कुछ भी, तो आप लोगों ने ये सिंबल जरूर देखा होगा फॉर द फोकस. ठीक है, अभी आपके पास कोई भी मोबाइल होता है, इवन कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले सपोज लाइक दिस इज अ मोबाइल, ओके. अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये इमेज बना रहे हो. ठीक है, अभी आप लोग पहले दरमियान में यहाँ जो भी फेस होगा, समझो कि ये फेस है, सही है, आप लोग क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे. जब फोकस हो जाएगा, जब एवरीथिंग विल बी फाइन, तो मोबाइल को हिलाए बिना आप लोग क्लिक करते हो, ऐसा ही है. अब देखो, ये एक पिक्चर है, आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, यानी फोकस कर रहे हो. फोकस करके आप क्लिक करोगे, क्या होगा, रिजल्ट सही आएगा, साफ सुथरी पिक्चर आएगी, अच्छी प्रोफेशनल वाली लुक आएगी, एंड इवन क्या आपकी पिक्चर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी. फोकस का मतलब टेक्नोलॉजी की टर्म्स में ये है. अब मेरे सामने इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, इन केस ऑफ मोटिवेशन और फोकस का आपकी जिंदगी में क्या ताल्लुक है, तो ये बात आप लोग जान ले सारे कि फोकस जो है वो आपके लाइफ की एक नीड है. क्या है? आपके लाइफ की एक नीड है, और वो क्या है, फोकस है. अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एम की तरफ आते हैं, सही है. एम अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फोकस ऑन योर एम, ठीक है, इसकी तरफ भी मैं आता हूँ. अब हम लोग आते हैं एम की तरफ, व्हाट इज एम. अब देखो, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. स्टूडेंट है एक, उसको महीने का 500 रुपया मिलता है पॉकेट मनी का, ठीक है. अभी एक दिन वो गेम्स वगैरह प्ले कर रहा है, किसी पार्क वगैरह में जाता है, एंड उसको वहाँ कहा जाता है कि अगर तुमने ये तीर निशान पे मार दिया 3 में से 2 मरतबा भी, तो क्या होगा कि तुम्हें 5,000 दिया जाएगा. ठीक है, अभी उसकी एक फीस है मुख्तसर सी, वो उसने पे कर दी, ठीक है. अब वो क्या करेगा, उसने तीर निकालना है और 2 मरतबा निशाने पे मारना है. अब ये वो तीर है, ये वो तीर है, और ये लाल डॉट है बीच में, ठीक है, यानी बिल्कुल सेंटर है. अब इसने क्या करना है, ये तीर इस निशाने पर मारना है. अब इसको क्या चीज चाहिए होगी, अब इसका एम क्या है, इसका एम है ये वाला सेंटर, इसका एम क्या है, इस सर्कल का सेंटर यानी रेड डॉट. अभी उसने सबसे पहले एम का उसको पता चल गया, एम क्या चीज है. इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन अगर मैं हूं तो मैं आपको एक चीज और थोड़ी क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. अब एम है क्या चीज, एम है नीड फॉर फोकस. फोकस के लिए जरूरी है एम करना, ठीक है, और फोकस क्या है, आपकी जिंदगी की नीड है. अब देखो, अब उसको एम उसका मिल गया है, अभी एम तब तक नहीं, आप उसके ऊपर तब तक सही तरह से निशाना नहीं मार सकते जब तक आप निशाने पर फोकस ना कर लो. अभी वो क्या करेगा, उसने एम किया, उसने एम को देखा, उसका टारगेट क्या है, वो क्या करेगा, फोकस करेगा. जिस तरह पिक्चर था ना, मैंने बताया था कि वो क्लिक करेगा, फोकस हो गया, जब उसको पता चल जाएगा हाँ भैया ब्लरनेस नहीं है, हाँ भैया अब हिलेगी नहीं, उसका हाथ कांपना बंद हो गया, सांस रोक लेगा. अगर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पिक्चर लेनी है तब जाके वो क्या करेगा, क्लिक करेगा. अभी इसी तरह तीर की भी एग्जाम्पल है, उसको एम, उसका टारगेट मिल गया है जिसको उसने क्लिक करना है. अब वो क्या करेगा, एरो को उसने खींचा है, वी विल फोकस ऑन दैट. फोकस जरूरी है, क्यों, क्योंकि फोकस जरूरी है किसके लिए, एम के लिए.
अभी क्या है, नीड फॉर फोकस, फोकस की नीड है एम, क्योंकि जब तक आपके पास एम नहीं होगा आप फोकस नहीं कर सकोगे। यानी अगर आप बोले आसमान में तीर चलाओ, ठीक है, आपको ना बताएं कि किस जगह पर जाना चाहिए, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, आपका एम ही नहीं है कोई, आप खाली हवा में तीर चला दो और कोई चला सकता है। अब क्या है कि अभी उसने क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करेगा, फोकस करेगा, एम करेगा, एंड जब वो रिलैक्स हो जाएगा उसको लीव कर देगा। ये एम किया, लीव किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके पास गिवन थे थ्री चांसेस गिवन थे, 3/3, 3/2, उसको 3/2 में सक्सेसफुल होना था। अब क्या हुआ कि पहला निशाना उसका बिल्कुल, या कह लो कि सेंटर से थोड़ा सा आगे लग गया, तो वो कट हो गया। अब क्या बचा, 2/2, यानी दो चांसेस हैं और दो ही में आपको हिट भी करना है। अब नेक्स्ट टाइम वो मजीद फोकस करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको 10 महीनों की एक गिलास से पॉकेट मनी मिल रही है। अब वो क्या करेगा, मजीद फोकस करेगा, निशाना जब पूरा बन जाएगा देन ही विल लीव द एरो। तो क्या होता है कि अभी अगला निशाना लग गया, 1/1 रह गया, अब वो और सेंसिटिव हो जाएगा, अब वो और ज्यादा मजबूती से एम करेगा, एंड दोबारा हिट करेगा, दोबारा लग जाएगा, तो क्या होगा, उसको 5 का अवार्ड मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने एम देखा फिर उसके बाद फोकस किया। फोकस क्या है, एम क्या चीज है, एम है नीड फॉर फोकस, क्योंकि जब तक एम नहीं होगा यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। अच्छा अभी अब मैं आता हूँ फोकस ऑन योर एम का क्या मतलब है। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, तो आप लोग जो है थोड़ा बहुत रियलाइज कर पाएंगे व्हाट डू आई वाना से। अच्छा जी, अब देखो फोकस ऑन योर एम। अब अपनी जिंदगी में खास तौर पर अगर हम लोग बात करें फॉर द स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फोकस ऑन योर एम के ऊपर अगर हम लोग पहली बात करें स्टूडेंट्स पर, तो उनके लिए मेन एम, मेन फोकस क्या होता है, उनके लिए मेन एम, मेन फोकस होता है उनकी स्टडीज। उनकी स्टडीज होंगी ना, बिल्कुल बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट की स्टडी के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। अभी हम लोग उनमें से एक मोटिव को सिलेक्ट करते हैं, सही है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मोटिव को सिलेक्ट करेंगे। लाइक आप कह लो कि ये जो स्टूडेंट है, यानी ये वाला जो एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हर, क्योंकि देखें हर स्टूडेंट्स का एक मोटिव होता है स्टडी करना है, किसने डॉक्टर बनना है, किसने इंजीनियर बनना है, किसने क्या बनना है, किसने क्या नहीं बनना। तो भी एक स्टूडेंट की हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बनना चाहता है क्या, डॉक्टर। एक्चुअली मेरा इस फील्ड में इतना ज्यादा वो नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट है उसका एक मेन मोटिव होता है स्टडी, उसका एक फोकस और एम होता है स्टडी, मगर उसके पीछे एक मोटिवेशन होती है, उसने कुछ बनना होता है। अब इसकी स्टडी के पीछे मोटिव है डॉक्टर बनना, क्या है, इसकी स्टडी के पीछे मोटिव है डॉक्टर बनना। अब वो क्या करेगा, एक थोड़ा सा मैं एक मशवरा टाइप दूंगा, तमाम स्टूडेंट जो हैं इस बात को जान लें, बहुत अच्छे से जान लें। हम लोगों की क्लासेस कितनी है इन पाकिस्तान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे पास सारा पोर्शन होता है स्कूल का। फिर हमारे पास आता है कॉलेज सेशन, ठीक है, कॉलेज सेशन हमारे पास क्या आता है, 11, 12, ठीक है। अब क्या होता है कि स्कूल लेवल के अंदर अगर आपने जो भी बनना है, आपका जो भी टारगेट है या एम है या कुछ भी है, तो आपने उसको कहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, वेन एवर 7 क्लास तक आप किस में होते हो, मेरी एग्जांपल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ से बात थोड़ी सेंसिटिव शुरू होती है, जो मैंने सारी बातें बताई हैं उन सबका निचोड़ भी निकालने जा रहा हूँ, ठीक है।
वन से लेकर सेवन क्लास तक बच्चे को सिर्फ पढ़ना होता है, ठीक है। माना उसका ड्रीम यहाँ तक होगा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो मर्जी, व्हाट सो एवर, मगर वन से लेकर सेवन क्लास तक एक बच्चा कोई भी हो वो इस सर्कल में पाया जाता है, सर्कल नंबर वन में। उसका नाम क्या है? नॉर्मल सर्कल। इस सर्कल का क्या नाम है? नॉर्मल सर्कल। सेवन क्लास तक वो बच्चा नॉर्मल सर्कल में पाया जाता है। अब जब वो एट क्लास में आएगा, जब वो एट क्लास में आएगा तो उसको अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि एट क्लास से आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। यू हैव टू डिसाइड आइदर कंप्यूटर साइंस आइदर बायोलॉजी, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप एट्थ में आ गए हो, अब आपने क्या करना है? आपने सोचना है। अगर आपने सोचा आपने डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? आपने यहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि आपका एम है किस तरह का, आपके एम में किस किस तरह की हर्डल्स हैं, आपके एम को टारगेट करने के लिए मुझे किस किस्म का फोकस चाहिए। तो यानी एट्थ क्लास में आप लोग इंफॉर्मेशन हासिल करोगे और वो इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ काम आएगी? सर्कल ऑफ एम में। यानी अगर आप लोग तवज्जो दोगे एट्थ क्लास में और अपना एक एम सेलेक्ट करोगे, डॉक्टर हो, तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। आगे ये होगा, आगे वो होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आपको एम, सर्कल ऑफ एम में ले जाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग यहाँ आकर ना तब एक फील्ड रख लेते हैं डॉक्टर की, मगर अक्सर लोग जो हैं काफी अच्छे टॉप पोजीशन भी ले जाते हैं, बट इन एंट्री टेस्ट वो क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कुछ चीजें अब जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? एम करना है। किसको एम करना है? अपने टारगेट को। यानी आपको देखना है कि मेरा टारगेट है क्या। आपके पास ढेरों ढेर टारगेट्स हैं। अब देखो इस बच्चे के पास एक निशाना था, इसको बोला सेंटर मारना, वो सेंटर में ही मारेगा, वो फोर्स्ड है। अभी आपके पास मल्टीपल निशाने हैं, मल्टीपल कोयल दायरे हैं, एक तीर है और एक ही कमान है। अभी आपको उनमें से कोई एक निशाना लेना है। अब जो आपको लगेगा सबसे करीब, सबसे इजी है एंड इसको मैं हिट कर दूंगा, आप उसी को हिट करोगे। तो यहां पर आपको वही चीज करना है, आपको अपना एम सेलेक्ट करना है। ये कहां पर आता है? सर्कल ऑफ एम में। एट्थ क्लास सर्कल ऑफ एम की है। एट्थ क्लास में आपने एम कर लिया, जाने दो, जाने दिया। नाइन टेंथ में आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जिसने डॉक्टर में बायो, बायो इज द मेन सब्जेक्ट, तो आपने बायो में फोकस करना है, ठीक है। अब नाइन टेंथ में आप बस बायो में फोकस करो, स्टडी। यहां पर आपका फिर से मोटिव आ जाना है स्टडी का, सही है। अभी आपने क्या करना है? स्टडी करना है। फिर आपकी बारी आ जाती है जब कॉलेज की, जब आपकी बारी आएगी कॉलेज की, तब आपने क्या करना है? तब आपको अपना फोकस, तब आपको जाना होगा ये क्या नाम है, सर्कल ऑफ फोकस में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। तब लोग एंट्री, जब आप 11th क्लास में पहुंच जाओगे। अब सर्कल ऑफ फोकस में क्या चीज है? कि आपको अपने टारगेट को फाइनलाइज करना है और क्लियर करना है। अभी तक आपने पढ़ लिया, अब आपको पता है कि सेकंड ईयर के बाद आपका ये एंट्री टेस्ट है, ये इस तरह है, उस तरह है। अभी आप क्या करो कि आपके पास 365 दिन एक साल के हैं, 365 जमा 365, चलो आप कह लो कि आप बीच में 30 डेज का रेस्ट ले लेते हो, ठीक है, फिर भी आपके पास 700 दिन बचते हैं। उन 700 दिन में रोजाना का अगर आप लोग 30 मिनट्स दे दें ओनली फॉर द एंट्री टेस्ट, या चलो 10 मिनट्स दे दो ओनली फॉर द एंट्री टेस्ट डेली, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग एंट्री टेस्ट भी क्लियर कर दोगे। यानी इधर आपको फोकस करना है, बस फोकस क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई है, बस आपने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा अपना एंगल बिठाना है, उस एंगल को क्लियर करना है, अपने शिकार को क्लियर करना है और अटैक कर देना है। जब आप अटैक करोगे और अपनी लाइन पे चल दोगे तो आप क्या करोगे, आप लास्ट सर्कल, ये वाला जो सर्कल है, आप इसमें आ जाओगे। और इस सर्कल का क्या नाम है? सर्कल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। आप इस सर्कल में फिर आ जाओगे। अब क्या होता है कि अगर आप कहते हो ना कि वक्त गुजर जाता है, अक्सर लोग सेकंड ईयर में आके इन सब चीज़ों को सोचते हैं, सेकंड ईयर ख़त्म होने वाली होती है तो इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि भाई हमने तो फील्ड गलत सेलेक्ट कर ली, ये वो ये वो। तो देखो अपने, आपने जो किया वो पास था, लेकिन अभी भी मोटिवेशन, यू कैन डू एनी थिंग इन योर लाइफ इफ़ यू हैव विलिंग फॉर दैट एनी थिंग, इवन इन वन डे, इवन इन 2 डेज। आप एक दफा कोई चीज पढ़ो आपको याद हो जाएगी, वो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो लाइव आएगी उसमें सबको बताऊंगा हाउ इट कैन बी पॉसिबल, सही है। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा।
अब देखो, अब आपने क्या करना है, यहाँ 11 और 12 में आपने फोकस करना है। एम आपने कर लिया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, बिल्कुल आपका माइंड रेडी हो गया। अब आपने फोकस करना है, टाइप क्लियर होगी, एंट्री टेस्ट आएगा। क्या आएगा? ये आपने फोकस कर लिया 12th तक, एंट्री टेस्ट आ गया, तभी आपने क्या करना है, अटैक, एरो को छोड़ देना है। अब एरो आजाद है, अब आपकी जिस तरह की मेहनत होगी, जिस तरह का फोकस होगा, एरो उसी तरह लेगा। अब एरो आजाद है, अब देखिएगा, आपने एरो को आजाद कर दिया, यहां से एरो आजाद होगा, ठीक है। अब देखो ये एरो कहाँ लगता है, ये एरो इधर लगेगा, सर्कल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन में। अब अगर आपने सही कंसंट्रेशन नहीं दी और आपने यहां आकर भी नहीं सोचा, तो जब आप एरो छोड़ोगे ना, तो आपका सर्कल कहाँ लगेगा, नॉर्मल सर्कल में, यानी वो उस सर्कल की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो 5th क्लास वाले बच्चे के लिए भी वही, यानी उसकी उसकी और आपकी इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं पड़ जाएगी, यानी दोनों का लेवल सेम रहेगा अगर आप इस सर्कल में पाए जाते हो तो। यह है नॉर्मल सर्कल। अब अगर आपने सिर्फ एम किया था, तो फिर आपका कहाँ जाकर लगेगा एरो, तो फिर आपका एरो थोड़ा सा आगे जाकर लगेगा सर्कल ऑफ एम में, फिर भी सक्सेसफुल पर्सन में नहीं लग रहा। अब सिर्फ आपने एम भी किया, फोकस भी किया, तो आपका क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, सर्कल ऑफ फोकस में आपका एरो लग जाएगा, मगर सेंटर में कैसे लगना है, सब चीजें तो आप कर लोगे। सेंटर में आपको अपना एरो लगाने के लिए जरूरी है क्या, कि आपको उस टारगेट के ऊपर कॉन्फिडेंट होकर उस टारगेट को आपने निशाना बना लेना है, हंट कर लेना है, एरो को छोड़ देना है। एरो को छोड़ना किस तरह है, कि आपने मेहनत की हो, सिर्फ फोकस, और ये नहीं, आपके माइंड में हर चीज हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एवरीथिंग शुड हैव टू बी क्लियर। लेकिन इसके लिए पहली चीज क्या है, इंटरेस्ट हो। उसी इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए आपको 8th क्लास में सब कुछ सोचना पड़ता है, और अगर ऐसा हो जाता है, तो आप लोगों का तीर, मेन तीर कहाँ जाकर लगेगा, सर्कल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन में जाकर लगेगा, समझ गए। अब जनाबे आला बात आती है, हाउ टू फोकस ऑन योर एम। ये थोड़ी सी बात है, इसको मैं आप लोगों को बता दूं तो वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी लाइव होनी है, तो वो और बड़ी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो बड़ी हो। तो ये है कि जो आप लोगों को बातें बताऊंगा, वो आप लोगों ने सारी समझ के रखनी है, एंड नेक्स्ट लाइव में आप लोगों ने काइंडली मुझे ज्वाइन करना है। पोस्ट में लगा दूंगा जो भी टाइमिंग होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। फोकस ऑन योर एम, डन हो गया, एक टॉपिक डन हो गया। आज के दिन हम लोग दूसरा टॉपिक भी कर लेते हैं, वो तो क्या है, हाउ टू फोकस ऑन योर एम, हाउ टू फोकस ऑन योर एम, ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है। इसका जवाब बहुत छोटा सा है, फोकस किस तरह करना है। देखो, जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, यू कैन नॉट इवन बिल्ड अप योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स दैट थिंग। तो फर्स्टली आपको इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, इंफॉर्मेशन हासिल करोगे एंड आपको पता होगा कि भाई हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, मैं इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इस तरह है, उस तरह है, मुझे चीज़ ज़्यादा अच्छे में समझ आती है, ये है, मैं ये जॉब करूँगा तो मैं ज़्यादा कामयाब हूँगा, या फिर मैंने बिजनेस करना है तो मैं लोगों को डील अच्छी तरह कर लेता हूँ तो मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊँगा, या फिर मैं जो हूँ अपनी कोई भी चीज़ आराम से सेल कर देता हूँ तो मैं मार्केटर बन जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी अपनी जानने वाली, जो आपके अपने जाती अंदर है। तो सबसे पहले आपने अपने आप को रेट करना है, क्या है, फर्स्टली इसका स्टेप नंबर वन क्या है, यू हैव टू रीच योरसेल्फ। स्टेप वन क्या है, यू हैव टू रीड योरसेल्फ।
अभी फोकस करना है, आपने अपने आप को रीड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, आपने सोचना है कि क्या ये मैं कर सकता हूं, कैन आई डू इट और नॉट। लाइक अगर आप मार्केटर हो, आपने कभी अपनी एक, चलो माना एक पेंसिल सेल कर दी, तो क्या आप इस तरह के मार्केटर हो कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज की सिम्स वगैरह सेल कर सको या उनके प्रोडक्ट सेल कर सको, क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है, ये आपको ये सोचना है। ठीक है, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, डू यू हैव, वेट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यू हैव एबिलिटी टू किस चीज के लिए, यानी आपके पास क्या एबिलिटी है वो काम करने के लिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, टू डू क्या करने के लिए आपको, उसके बाद देखना है डू यू हैव एबिलिटी टू डू दैट वर्क इन विच यू आर इंटरेस्टेड, यानी उस वर्क को आप करने में इंटरेस्टेड हो तो क्या वो आप कर सकते हो, वह आपने जाना है। ठीक है, डू यू हैव एबिलिटी टू डू दैट वर्क इन विच यू आर इंटरेस्टेड, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। अब आपको पता चल गया कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, सब हो गया, तो भी अगर आपको पता चल गया ना हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको उस चीज के ऊपर वर्किंग करनी है। यानी अगर आपको मार्केटर बनना है, अभी आपने सिर्फ पेंसिल सेल किया, आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट्स का नहीं पता, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि हाउ टू डू दैट। अभी आपकी जॉब है, आपको हैकिंग का पता है कि हैकिंग किस तरह करते हैं, लेकिन हैकिंग से बचते किस तरह है, तो आपको वो भी चीज जाननी है। अगर नहीं जानोगे आपकी जॉब नहीं होगी, इस तरह होगी आपका आ जाता है, तो आपको वो भी सीखना है। तो यानी हर किस्म की चारों तरफ से आपको अपने आप को क्लियर करना है। किस तरह क्लियर करना है कि आपके पास फुल इंफॉर्मेशन हो, यानी उस सब्जेक्ट के हिसाब से, उस चीज के हिसाब से, उस फील्ड के हिसाब से हर एक चीज की आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो हमारे पास अगला पॉइंट क्या आएगा, हमारे पास अगला पॉइंट आएगा, यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन वट एवर योर एम इज। You have to gather information of your aim and you have to work hard on that. समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये तीन स्टेप जो मैंने आपको बताया, अच्छा राइटिंग जो है वो मेरी काफ़ी के वाइट बोर्ड पर है एंड रिसेंटली अभी आया है, तो राइटिंग जो है मेरी कुछ अर्से में इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। आई नो यू ऑल विल कमेंट कि भाई राइटिंग सीधी कर लो, तो पहले बता दूं कि बात को समझने की कोशिश किया करें, ना कि किसी को आप लोग जो है बुरा फील कराने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो ये है कि आप लोग कमेंट्स भी करेंगे, सीरियसली मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आपको पहले से बताता हूँ राइटिंग मेरी ख़राब है, इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी विद इन सम लेक्चर्स। ओके, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है एंड व्हाइट बोर्ड पर कभी आप खुद आ जाए तो आपको आपकी राइटिंग का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो ये तीन हमारे पास स्टेप्स आ गए, हाउ टू फोकस ऑन योर एम के। अभी आपने इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, सब हो गया, वर्क हार्ड कर लिया, तो पीछे क्या बचता है, पीछे क्या बचता है, यू हैव टू प्रैक्टिस, या अकेले में प्रैक्टिस कर लो। आप मार्केट में नहीं जा सकते, आप अकेले में प्रैक्टिस कर लो। किस तरह, लाइक अपने आप को शीशे में बात करके देख लो, या फिर आपके पास कंप्यूटर, आपको हैकिंग करनी है, आप अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर हैक करो, उसी को अनहैक कर लो लीगल परमिशन लेकर। उसके बाद आपको अगर
एक मैथ का सवाल है आपको, आपका मैथ की बुक से आपको अंदर इंटरेस्ट नहीं था, आप उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करोगे, आप उसके अंदर सारा करना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, यानी प्रैक्टिस करोगे ताकि जब इंटरव्यू हो तो आप कामयाब हो जाओ। तुम्हारे पास लास्ट पॉइंट क्या बचता है? डू प्रैक्टिस। ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हुए, सही है? तो आप लोग इनका भले ही एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है? ये पॉइंट्स आपको अपने किसी भी ड्रीम में फोकस करने के काम आएंगे। इन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह रैंडमली आप किसी को दिखा दोगे तो शायद ना समझ आए, इवन कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इन पॉइंट्स को देखकर समझा सकते हो, ठीक है? एंड मैंने ये फोकस ऑन योर एम को भी थोड़ा विविडली एक्सप्लेन किया है, आप उसको भी दूसरे अल्फाज में अगर आप यही पॉइंट्स बता दोगे तो फोकस ऑन योर एम का भी उनको पता चल जाएगा, वो भी आप कोई भी एक छोटी मोटी एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उनको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा आज का तमाम लेक्चर, जिनमें मैंने आज दो लेक्चर्स को कवर अप कर दिया है। रियली सॉरी कि मेरी जो वीडियो है वो अबाउट 25 मिनट्स को क्रॉस कर चुकी हुई है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो हमारी बहुत लाइव इंशाल्लाह होगी, उसमें मैंने तो अपने ऊपर वो फार्मूला अप्लाई किया है, इवन कि मैंने वो दो तीन से और शेयर करके भी देखा है, तो दैट फार्मूला इज़ रियली वर्किंग, सही है? तो वो फार्मूला मैं लाइव आकर बताऊंगा, तो ड्यूरिंग माय सेशन मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दूंगा, तो जैसे ही आप लोग भी उस वक्त कमेंट्स ना कीजिएगा, ना आप लोग लाइव चैट्स कीजिएगा, जैसे ही मैं ये सब कर लूंगा, लाइक 2 मिनट के, हाँ जैसे ही मैं अपना लेक्चर दे दूंगा तब मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा, हाँ भैया अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग सवाल पूछेंगे, मैं अपने मोबाइल के पास जाऊंगा एंड देन आई विल आंसर यू ऑल, क्योंकि अगर फार्मूले के दरम्यान में अगर इस तरह करना शुरू हो गया तो दैट विल रियली अफेक्ट मी। हाँ लेक्चर के दौरान में आप लोगों को अलबत्ता अगर समझ आ रही है तो आप लोग ये देख सकते हैं, आ रही है समझ, अच्छा जा रहा है, तो आप ये बता सकते हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो यूट्यूब पर हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा और बेटा मोटिवेशन को, एंड मेरा अपना जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो है ट्रिक टू स्टडी लाइक अ टॉपर। आई एम नॉट अ टॉपर, पहले से ही बता दूं, मगर ये ट्रिक है, इस पर अमल करोगे इंशाल्लाह बनोगे। जब जब मैंने इस पर अमल किया है तो मैं अपने टॉपर के मुकाबले में क्या हूँ, तो ये है कि आप लोग भी इस पर अमल करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, सही है? तो ये हमारी क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी जो कि लाइव सेशन होगा, इसका क्या होगा, हमारा लाइव सेशन होगा, तो इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दें दबा, और इंस्टाग्राम पर और बुढ़ा मोटिवेशन को आप लोग फॉलो करें, थोड़ा अनएक्टिव है उस पर भी हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, एंड जो मेरा अपना अकाउंट है इंस्टाग्राम पर वो है @वली-, ठीक है? ये मेरा इंस्टा का अकाउंट है वली गैलरी, आप लोग इसको भी सर्च करें, इसको भी जाकर आप लोग फॉलो वगैरह करें। तो ये है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला जो हमारा टॉपिक आ रहा है, ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये इससे क्या है, इंटरलिंक है, ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आने वाली है। आई थिंक सो वीडियो 30 मिनट्स की होगी होगी या होने वाली होगी, तो ये कि आप लोगों ने सब चीज़ों को अच्छी तरह से जान लेना है। टेक केयर व्यूअर्स, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड लाइव जो है जल्दी इंशाल्लाह मैं करूँगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड उम्मीद है कि अभी आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आएंगे, अभी लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी और कम होना शुरू होगी, मगर यह है कि अभी आपसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को लेक्चर की बोर ना जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।